आपका नाम जी? जी मेरा नाम पीरजादा आरिफ अहमद नसीरी है। अच्छा मैं अच्छा मेरा नाम है दीपांकर बरुआ, मैं इधर चितंजन पार्क में बहुत करीब में रहता हूँ। अच्छा तो मैं बहुत दिन से आना चाह रहा था इस चिराग दिल्ली दरगाह पे। मैं पिछले हफ्ते भी आया था लेकिन मैं गाड़ी लेके आया था तो मैं रास्ते की परेशानी, हाँ तो इसलिए मैं आज बाइक लेके आया हूँ। ये तो ये दो मजाक किस किस की? आपका नाम बड़ा दरबार है, हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा अच्छा ये बड़ा दरबार उनका चिश्तिया सिलसिले की पांचवी गद्दी है। हुजूर गरी नवाज से जो चिश्तिया सिलसिला चला आ रहा है हिंदुस्तान में, उसके बाद सिलसिला गए हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के पास जो मेहरुली शरीफ में मजार शरीफ, वहाँ गया। फिर उनके बाद गद्दी गई हजरत बाबा फरीद मसूद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह के पाकिस्तान में। अच्छा उनके बाद गद्दी आई हजरत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया के पास। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के बाद आप औलिया हुआ हजरत ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद रोशन चिराग़ी रहमतुल्लाह। अच्छा तो हुजूर गए नवाज की पांचवी गद्दी है, फिर ये आपके खलीफा हैं और भांजे भी हैं हजरत ख्वाजा कमालुद्दीन अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा और ये आप भांजे हैं हजरत मौलाना ज़ैनुद्दीन अली। अच्छा जी। और एक लकड़ी का तख्त मुबारक है जिस पे आप बैठ के नमाज पढ़ा करते थे, अच्छा करा करते थे। अच्छा वो एक ही पीस का है और उसमें कोई जोड़ नहीं है। अच्छा अच्छा तो आज भी माशाल्लाह तारीखी में है। अच्छा 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 इस नाजुक को देख के लोग फैजियाब होते हैं। अच्छा ये सरकार का तख्त है जिस पे आप बैठ के नमाज पढ़ते थे। अच्छा 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 ये तब से प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा अच्छा अभी आप लोग देख रहे हैं, ज्यारत कर रहे हैं। और इसी तख्त पे आपने अपन खलीफा है हजरत ख्वाजा बंदा नवाज कर्नाटक में,
इसी तख्त पे आपने उनको जिल्ला कराया, नमाजें अदा करी और चिश्ती सिलसिले की तरीकत से नवाजा और खिलाफत देकर दक्कन का शहंशाह बना के यहाँ से रवाना किया। अच्छा, आपने पानी से चिराग रोशन अता फरमाया, उंगली लगाई और चिराग रोशन हो गया। अच्छा, तो आपको अपने पीर से लकब मिला, दुनिया आपको रोशन चिराग देगी। रोशन चिराग 17 रमजान को आपका सालाना उर्स मुबारक मनाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, 17 17 रमजान हर साल 17वां अच्छा। रमजान शरीफ में जो होता है 17 रोजा, अच्छा उसमें आपका उर्स मुबारक मनाया जाता है। अच्छा अच्छा, जो अब अगले महीने अब शुरू होने वाला है। हाँ, 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 अच्छा। जो अंग्रेजी के हिसाब से 28 या 27 मार्च का पड़ता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर उर्स का? जी हाँ, उर्स का होता है। ये क्या वैसा ही है जैसे निजामुद्दीन दरगाह में उर्स का होता है? जी हाँ, जैसे हर बारगाहों में होता है, हजरत निजामुद्दीन औलिया में होता है, ख्वाजा गरीब नवाज में होता है। अच्छा, तो वैसे चिश्तिया सिलसिले की रस्म अदा करी जाती है यहाँ। अच्छा अच्छा, रमजान तो यहाँ पर इस बार आपका 687वां उर्स मनाया जाएगा। अच्छा जी जी, तो यहाँ पर मतलब वही सूफी कवाली? जी जी हाँ, माशाल्लाह सूफी कवाली होती है असर और मगरिब के बीच में। अच्छा, मतलब 5 और 6 बजे के बीच में सरकार का गुसल शरीफ होता है। अच्छा, गुलाब जल से आपका आस्ताने को दुलाया जाता है। ये हर दिन नहीं, सिर्फ साल में एक दिन होता है। साल में एक दिन ना उर्स? तो साल में। अच्छा, और वो 5 और 6 के बीच में? जी हाँ, जो उस दिन का दिन पड़ेगा उर्दू के महीने के हिसाब से 17 रमजान जो आएगा। ठीक है ठीक है, तो उस दिन 5 और 6 के बीच में गुसल शरीफ होता है। अच्छा, और सरकार की गुलाब पेश होता है। फिर रोजा अफ्तारी होती है, फिर रात को 10:30 बजे कवाली होती है, दुआ होती है सभी मजहब मिल्लत के लिए, आपस में भाईचारे के लिए, सभी के लिए, कारोबार के लिए, सेहत के लिए, सब। क्या बात है, क्या बात। तो आप लोग भी जरूर आए। जरूर जरूर। शाह का शहतू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल समझा। शाह का शहतू, अली का दुलारा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा, दिल समझा। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, समझा। बेकसम की तकदीर सवारी, तूने है सवारी। बेकसम की तकदीर सवारी, सवारी है सवारी। ख्वाजा मेरे ख्वाजा, मैं बैठा हूँ आदिल और मनीष के साथ। ये दरगाह के बाहर इनकी एक छोटी दुकान है। तो ये रहा दरगाह का एंट्री, सब लोग खड़े हुए। मैं यहाँ का ही हूँ भैया। अच्छा, तो आदिल और मनीष से बात करते हैं। तो क्या क्या सब्जेक्ट अच्छा रखते हैं? मैथ और इंग्लिश। मैथ और इंग्लिश, भाई साहब जबरदस्त। मैथ और हिंदी, क्या बात है। मैथ बढ़िया लगना तो ये तो बहुत बड़ी बात है उनको दे दे। और मैं तो, मैंने इनसे चादर ख़रीदा था और दरगाह पे चढ़ाया मैंने अभी। बहुत अच्छा लगा कि मनीष और आदिल दोनों दोस्त हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में हैं, दोनों 8th स्टैंडर्ड में हैं। बहुत बढ़िया, इनकी दोस्ती कयामत रहे, कायम रहे, सॉरी कायम रहे। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आप दोनों से मिलकर, अच्छा लगा।